नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, हम लोग कोई सा भी आइटम जैसे क्रिएट करते हैं तो आज की डेट में उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उसका HSN कोड डालना। जब तक आप HSN कोड वगैरह उसका प्रॉपर नहीं डालते हैं तो आपका GST में कैलकुलेशन वगैरह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे अपना यहाँ पर HSN SSC कोड जैसे अपने को डालना पड़ता है, तो अपने इसी के हिसाब से GSTR1 में आपका जो भी सबमिशन होता है सेल का, वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अपन ढूंढते हैं कहीं से कुछ HSN कोड वगैरह, जैसे अपने को नहीं पता है तो यहाँ से आप लेके आते हैं कहीं से भी, फिर उसके बाद आप सर्च करके फिर यहाँ पे आप अपडेट करते हैं। या तो मान लीजिए आप कोई लेज़र ही अगर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मेरा ये शिपिंग फीस करके कोई एक लेज़र है, तो अब मुझे यहाँ पे HSN कोड डालना पड़ेगा तभी ये अपना प्रॉपर शिपिंग फीस कहाँ पे क्या है उसमें जा पाएगा। यानी कि अपना SSC कोड और HSN कोड दोनों ही ज़रूरी है डालना। तो अपन क्या है कि ढूंढते ढाँढते इधर उधर फिर यहाँ पे लेके आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अभी एक ऐसी फ़ाइल बनाएंगे, उसी के थ्रू हम लोग जैसे ही यहाँ पे आएँ HSN कोड डालने के लिए, तो यहीं पे उसकी सारी लिस्ट दिख जाए। और यहाँ से जो भी आप सर्च करें, आप नंबर डालें तो HSN कोड का नंबर यहाँ पे डाल सकें SSC कोड का, और आप नाम से भी अगर सर्च करना चाहें जैसे कुरियर चार्जेस करके आपको सर्च करके डालना है तो आप यहाँ पे कुरियर चार्जेस लिखें तो उसका HSN कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी सी कोडिंग रहेगी। तो चलिए करते हैं, देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ hsn.xml करके मेरे पास में एक HSN कोड लिस्ट है। तो ये पूरा XML में ही पूरी ये फाइल बनी हुई है, और इसी XML को हम लोग वहाँ पे टैली में फेच करा देंगे तो टैली में इसकी लिस्ट जो है वो दिखती रहेगी। तो जैसे अपना HSN कोड हो जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो आप सर्च करने के लिए डिस्क्रिप्शन से भी सर्च कर सकते हैं, कोड से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर लेना है। टेक्स्ट फाइल आप ऐड कर लीजिए, इसका मैं एक नाम ऐसे रख देता हूँ HSN करके, इसको ओपन करते हैं। तो अब इसी में हमें कुछ सिंपल सा कोड्स लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे HSN कोड वाले फील्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए एक ब्रैकेट लेंगे, इसमें लिखेंगे हैश के साथ में फील्ड, फील्ड का नाम हमें देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे GST MST इन्फो HSN SSE। तो GST MST इन्फो HSN SSE, ठीक है, इसका फील्ड का नाम रहता है अपना टैली के अंदर HSN कोड का, ठीक है। अब इसमें हम लोग को एक टेबल यहाँ पे ऐड करना रहेगा इसको मॉडिफाइड करने के लिए। तो यहाँ पे एक टेबल ऐड करेंगे, तो अभी मैं इसी टेबल लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ टेबल का एक कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लर्न वेल HSN TV कर देता हूँ। और टेबल भी है अपना ऊपर में नॉट अप्लीकेबल भी, अगर किसी में करना रहे तो नॉट अप्लीकेबल भी कर सके, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल भी एक ऑप्शन रख देते हैं कॉमा लगा के, ठीक है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आना है, अब हमें टेबल बनाने वाला काम करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग XML को इसमें फेच कराएंगे अपने कोड के साथ में। तो XML के लिए कलेक्शन यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट लेते हैं इधर कलेक्शन, उसके बाद फिर HSN कोड करके इस तरीके से लिख देता हूँ, या HSN XML भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डेटा सोर्स अपने को बताना है, और इधर लेंगे फाइल अपनी XML वाली फाइल है, तो यहाँ फाइल XML लिख देना है, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब ये डबल यूनिटेड कॉमा अपने को दो ठो लगा लेना है, और इसी के बीच में हमें फाइल का जो अपनी XML फाइल है उसका डिटेल हमें वहाँ पे देना है। तो इसका प्रॉपर्टी में चले जाना है, ये फाइल मैं आपको लिंक दे दूँगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और ये लिंक आप जहाँ भी इसको फाइल को रखेंगे उसका आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाके उसका पथ कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे पथ को हमें पेस्ट कर देना है, तो इस तरीके से पथ अपना पेस्ट हो जाएगा, पूरा नाम के साथ में आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये अपना सोर्स हो जाएगा, और इसमें जो अपना XML है XML ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें हैं वो दे देते हैं। तो यहाँ पे डेटा करके दे देता हूँ, और यहाँ पे वन और रूट। तो अब जैसे XML ऑब्जेक्ट में हमने डेटा क्यों लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अपना जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डेटा से स्टार्ट हो रहा है, डेटा पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच का चीज़ अपने को उठानी है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये लिख दिया डेटा करके। यहाँ और कुछ नाम रहता तो ये नाम अपना चेंज हो जाता। यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड करते हैं, क्लाइंट ओनली, यस कर देते हैं,
तो ये तो हो गया दोस्तों अपना XML का वहाँ पे कलेक्शन हो गया कोड के अंदर। अब ये जो अपना XML है उसका एक टेबल बन के अपने को शो हो टैली में, तो टेबल भी अपने को बना लेना है। तो यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट लेंगे, फिर से लिखेंगे कलेक्शन, और यहाँ पे आप जो इधर एक नाम दिए थे टेबल वाला, यही नाम आपको इधर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब इसका अगर आपको कुछ टाइटल वगैरह भी देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे ऊपर में जो टाइटल लिख के आएगा, तो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे डबल इंटेड कॉमा में वही आएगा वहाँ पे। इट्स इन कोड लिस्ट, ठीक है। अपना जो सोर्स कलेक्शन रहेगा ये वाला रहेगा, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे सोर्स लिख के इसको पेस्ट कर देंगे। तो इधर सोर्स कलेक्शन अपना ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी अपना XML फाइल रहेगा वहीं से इसको उठा लेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को फेच करना है, तो इसमें से फेच करना है अपने को HSN और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें जो चीज़ें अपन फेच कर रहे हैं, तो HSN फेच कर रहे हैं, ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें देखें HSN लिख देना है और DESC लिख देना है। ये अगर नाम आप चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं XML के अंदर। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है उसका फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट रख देते हैं, तो HSN के लिए रख देते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए। तो HSN के लिए कॉमा लगा के 20-25 जितना आपको चौड़ा रखना है, और सेम ऐसे ही रख देंगे डिस्क्रिप्शन के लिए भी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप थोड़ा सा और बड़ा रख दीजिए, 200 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ़िल्टर किसके हिसाब से करें अपना, मान लीजिए अब इसमें बहुत सारे ऐसे कोड भी हो सकते हैं कि जो अपने बार बार रिपीट हो रहे हों, तो बार बार ना दिखें, कई बार एक ही बार दिखें, उसके लिए अपन यूनिक भी सेट कर सकते हैं। तो यूनिक अपने को करना है HSN के हिसाब से, तो इधर लिख देंगे HSN। अब इसमें जो भी अपनी लिस्ट है इस लिस्ट को आप अपडेट भी कर सकते हैं, आप अपने कोड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इतना लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बीच में आपके HSN कोड और डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो आप इसको किसी भी नोटपैड में ओपन करके ऐड कर सकते हैं, अगर आपका कुछ भी HSN कोड वगैरह और अपडेट करना है इस लिस्ट में तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना ये कोड हो गया रेडी, इसको सेव कर देना है आपको। इसको सेव करते हैं और टैली में चल के लोड करेंगे। तो यहाँ पे टैली में लोड करने के लिए हेल्प में चले जाना है, TDL एंड एडऑन में, मैनेज लोकल TDL। इधर लास्ट में आके हमारे ये डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लेंगे HSN करके है, HSN.txt वाला, तो यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये अपना लोडेड करके दिखेगा। अब जैसे चलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, तो इधर कोई से भी जिसमें नहीं डला है उसमें चलते हैं पहले। जैसे इसमें नहीं डला हुआ है तो यहाँ पर सीधा HSN वाले लिस्ट में आ गए यहाँ पे, और जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे सारा कुछ आपका HSN वाली लिस्ट अपनी रेडी हो गई। अब इसमें जो भी आपको डालना है इधर आप डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अभी तो मैंने ये कोड नंबर डाला तो इसलिए ये आ रहा है, आप नाम से भी इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही नाम लिखेंगे वो आपका जो भी चीज़ रहेगा जिससे भी रिलेटेड रहेगा, तो इस तरीके से आप कोई सा भी नाम सर्च करके इधर अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए बस आपको सेलेक्ट करना है, और डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, तो इतना कुछ लंबा चौड़ा इसमें लिखने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। आपको बस आप अपने आइटम नेम के हिसाब से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी है स्क्रू सेट है तो आप सीधा स्क्रू सेट लिख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो अपना HSN कोड ही रहता है। अब वो तो हो गया अपना दोस्तों स्टॉक आइटम के लिए। अगर अपन लेज़र में यहाँ पर चलते हैं, मान लीजिए मेरा कोई लेज़र है एक एक्सपेंस वाला, अब यहाँ पर अपने को HSN कोड डालना है। अब यहाँ पे भी आप HSN कोड डाल सकते हैं, तो सेम आपका HSN कोड वहाँ पे जो भी आप एक बार अपडेट कर देंगे तो आपका आइटम के लिए भी वर्क करेगा और यहाँ के लिए भी वर्क करेगा। तो अब जैसे शिपिंग फीस है या आपका कुरियर चार्ज है, ठीक है, अब जैसे मैंने कुरियर चार्ज लिखा यहाँ पे, तो ये कुरियर चार्ज वाला HSN कोड अपना यहाँ पे आ चुका है, तो इसको आप इंटर करके सेव कर देंगे, तो अभी अपना अपडेट हो जाएगा यहाँ पे लेज़र में। तो जब भी आप ओपन करेंगे आपका HSN कोड यहाँ पे डले रहेगा।
आपको कभी चेंजेस करना है आप इसको हटाइए, स्पेस दबाइए, यहाँ पे आप जो भी अपडेट करना है उसको आप अपडेट कर दीजिए। तो दोस्तों आप इसको ज़रूर बनाइए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मैं इसका XML का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप क्लिक करेंगे वहीं से डाउनलोड हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।